अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज जागरूक भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। अमेरिका के दो बड़े बैंक सिग्नेचर सिलिकॉन दो दिन में डूबे खतरे में, 21 से ज्यादा भारतीय कंपनियां, आखिर क्या है इसकी वजह। 10 मार्च 2023 को अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा सिलिकॉन वैली बैंक डूब गया। इसके ठीक दो दिन बाद 12 मार्च को अमेरिका का सिग्नेचर बैंक के डूबने की खबर सामने आई। इसके बाद इन दोनों बैंकों की संपत्तियों को अमेरिकी रेगुलेटर ने अपने नियंत्रण में ले लिया। अकेले सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने से दुनिया भर के निवेशकों को 38 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इससे 21 भारतीय कंपनियां भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। अमेरिका के इन दो बड़े बैंकों के डूबने की क्या वजह है? इकोनॉमिस्ट अरुण कुमार ने कहा कि आमतौर पर किसी बैंक के डूबने की बड़ी वजह लोन डिफॉल्ट मामलों में उछाल होता है, लेकिन इन दोनों केस में ऐसा नहीं हुआ है। बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े एक्सपर्ट का कहना है कि सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर बैंक के डूबने की दो बड़ी वजह सामने आ रही है, पहला इंटरेस्ट रेट रिस्क और दूसरा लिक्विडिटी रिस्क। अब किसी बैंक के दिवालिया होने की इन दोनों वजहों को एक एक करके समझते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क। एक बैंक इस जोखिम का सामना तब करता है जब काफी कम समय में कई बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं। अमेरिका में महंगाई 40 साल के उच्च स्तर पर है। यही वजह है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए फेडरल रिजर्व ने मार्च 2022 के बाद कई बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, जो अब 4.5% के करीब पहुंच गई है। ये पिछले 15 साल में सबसे ज्यादा है। इसका असर ये हुआ कि फेडरल बैंक के खजाने में आमदनी यानी यील्ड अचानक से 2% बढ़ गई। इस वजह से बैंक और बाकी दूसरे इन्वेस्टर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और सरकारी ट्रेजरी बिल्स को खरीदने के बजाय पैसा फेडरल बैंक में इन्वेस्ट करने लगे। फिर देखते देखते कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और ट्रेजरी की कीमत घटने लगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक यील्ड 2% बढ़ने से बॉन्ड की कीमत 32% तक गिर सकती है। सिलिकॉन वैली बैंक ने अपनी कुल संपत्ति का 55% हिस्सा अमेरिकी सरकार के बॉन्ड में निवेश किया था। ऐसे में कीमत कम होते ही सिलिकॉन वैली बैंक को भारी नुकसान हुआ। इस बैंक ने नकदी की कीमत को दूर करने के लिए मैच्योरिटी से पहले ही ट्रेजरी से पैसा निकालना शुरू कर दिया। इस वजह से बैंक दिवालिया होने के करीब पहुंच गया। लिक्विडिटी रिस्क। जब किसी बैंक को अपना नुकसान करके ग्राहकों को फायदा पहुंचाना होता है तो उसे लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि आपने 2019 की शुरुआत में अपनी सारी पूंजी लगाकर और बैंक से कर्ज लेकर एक फ्लैट खरीदा। इसके बाद अचानक से कोरोना महामारी आ गई। ऐसे में अब कर्ज और उसका इंटरेस्ट देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। एक तरफ बैंक की आमदनी घटती है तो वहीं दूसरी तरफ बैंक में जिन लोगों का पैसा जमा होता है वह निकालने लगते हैं। इससे पैसा कम पड़ने की वजह से बैंक दिवालिया हो जाते हैं। सिलिकॉन वैली केस में भी ऐसा ही हुआ है। इसके नकद भंडार में जितने पैसे थे उससे ज्यादा लोग निकाल रहे थे। नकद की कमी ना हो इसके लिए सिलिकॉन वैली ने अपने सिक्योरिटीज पोर्टफोलियो से $21 अरब बेचने का फैसला किया था। उम्मीद से कम कीमत में पोर्टफोलियो बेचने की वजह से बैंक को $1.8 अरब का नुकसान हुआ। बैंक डूबने की खबर मिलते ही ग्राहक निकालने लगे थे पैसा। मार्च 2023 में जैसे सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने की आशंका जाहिर होने लगी, ग्राहक अचानक से इस बैंक में जमा पैसा निकालने लगे। इसे 10 मार्च को पूरी तरह से सिलिकॉन वैली बैंक सिस्टम फेल हो गया। कुछ यही हाल क्रिप्टो करेंसी के जरिए फेमस होने वाले सिग्नेचर बैंक का भी हुआ। अमेरिका में फेडरल रिजर्व का एक नियम है कि बैंक में जमा 2 करोड़ रुपए तक की राशि पर ही इंश्योरेंस होता है। इससे ज्यादा पैसा आपका बैंक में जमा है और बैंक डूब गया तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इन दोनों बैंकों में ज्यादातर लोगों और कंपनियों की 2 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जमा थी, इसलिए जैसे ही लोग रकम निकालने लगे बैंक पूरी तरह से खाली होने लगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।